हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने दाल और मूंगफली की चटनी, जो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट लगती है। इसे आप मेरे तरीके से बनाइए, जो रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए हम चना दाल और मूंगफली दो दो कटोरी, छोटे छोटे कटोरी में निकाल के रख लिया है। इसके बाद आप कढ़ाई को गर्म कीजिए, ज़्यादा हीट ना करें कढ़ाई को, नहीं तो मूँगफली जल्दी जल जाएगी आपकी, अच्छे से भून नहीं पाएगी। अब हम सारे मूंगफली को इसमें डाल देंगे। सारे मूंगफली को हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें हल्का सा ही ब्राउन होने तक इसे भूनना है। देखिए अब ये भून रहा है। मेरी रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए, तभी आप इसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब हम देखिए, हमारा बादाम भून चुका है, हमें इतना ही भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके बाद हम अब चने को भुनेंगे। चने को हम भी इतना ही भुनेंगे जितना हमने बादाम को भुना है। अब हमने पहले से कढ़ाई गरम करके रखा था, अब इसमें हम सारे चने को डालेंगे। चने को भी हम हल्का ब्राउन ही होने तक भुनेंगे जितना हमने बादाम को भुना था। अब हम चने को, सारे चने को डाल दिया है, अब हम चने को भुनेंगे। इसे हम चलाते रहेंगे, इसे हम गैस को लो फ्लेम में ही रख के भूनेंगे, चना और बादाम दोनों को। हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। देखिए हमारा चना भून के रेडी है। देखिए हमने इसे ज़्यादा नहीं भूना है। अब इसे भी हम अपने बादाम जिसमें रखा था उसी में निकाल लेंगे। इसमें हमने सूखे नारियल मिलाया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कच्चा नारियल मिल नहीं रहा था, तो हमने सूखे नारियल को रखा था, तो इसमें हमने थोड़ा सा सूखा नारियल मिक्स कर दिया। आप चाहे तो डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमने आधा गिलास ठंडे पानी को मिक्स कर दिया, क्योंकि अभी ये गर्म है और हार्ड भी है, तो मिक्सर में अच्छे से नहीं पिसा जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मिर्चा, कुछ अदरक के टुकड़े, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ, देखिए हमने इतने ही लिए हैं। अब इसके बाद हमने हरे धनिए के पत्ते भी लिए हैं, जो हमने सिर्फ दो बार ही काट के रखा है। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ही छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मिक्सर में आसानी से पिसा जाए। अब ये 5-10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे अच्छे से जार में रख के पीस लेंगे। तो हमने सभी सभी को एक हल्के से जार में रख लेना है। हम एक ही बार सबको नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे पीसना है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे अपने मिक्सर में, और हमने इसे ढक लिया है। देखिए हमने इसे दो बार चला के पीस लिया है, अब ये कितना दरदरा है। इसे हम आधे गिलास पानी में और डाल के पीसेंगे। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे, जैसे ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। हमें इसे दरदरा नहीं रखना है, पूरा अच्छे से मिक्स पीस लेना है, बारीक पीस लेना हमें। अब देखिए हमने इसे पीस लिया है, कितना ये बारीक पिसा हुआ है। इसे हमने बिल्कुल दरदरा नहीं रखा है, देखिए कितना अच्छा हमारा पिसा हुआ है चटनी। ऐसे ही आपको भी पीस के पीसना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम सभी चने और बादाम को पीस लेंगे जो हमने रखा था। इसे भी हम पीस के ऐसे ही बारीक पीस के हमें इसी बर्तन में निकाल लेना है। अब देखिए हमने तड़के लगाने वाले बर्तन को गर्म कर लिया है, और ये देखिए हमने पूरे नारियल और बादाम को और चने दाल को अच्छे से पीस के एक बर्तन में रख लिया है। अब इसे हम अब तड़का लगाएंगे, जिसे तड़का लगाने के लिए चाहिए राई के दाने, कुछ सूखी लाल मिर्च और कड़ी के पत्ते। हमने सब निकाल लिया तड़का लगाने के लिए। अब तड़का अब लगाएंगे, और जिसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। देखिए बर्तन को ज़्यादा ही गर्म हो गया है हमारा तड़का लगाने वाला, तो इसे तेल को गरम, हल्का सा गरम करके हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम राई और मिर्च डालेंगे, देखिए पूरे गैस पे कैसे फैल चुका है, इसलिए हम इसे गैस को बंद करके ही डालेंगे, ऑन करके नहीं डालना है। अब देखिए हम इसमें कड़ी पत्ता भी डाल चुका है। अब देखिए मैं ये अब इसे हल्का सा हिला लेंगे, अब इसे गैस को ऑन कर लेंगे हम।
और इसे अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा, ताकि हल्का ब्राउन ना हो जाए, पूरा जलाना नहीं है। अब इसे हम अपने चटनी में मिक्स कर देंगे, छौंक लगा देंगे। देखिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अब इसमें हमने नमक पहले ही डाल चुके हैं, इसीलिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। देखिए हमारी चटनी बनके रेडी है, तो आप भी बनाइए और अपने घर में सभी को खिलाइए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे कुकिंग एंड लाइफस्टाइल चैनल को देखते रहिए।